हे द गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज हम लोग खेल वाले पोकेमॉन यूनाइट। एंड मैं प्ले करने वाला हूँ मचाम से। इसका जो मुझे एम्बलम सजेस्ट किया है वो है भाई मेरे दोस्त मैट्रिक्स ने। एंड इसका बिल्ड जो है केशव ने, मेरे एक और दोस्त ने किया है। उसका भी चैनल का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा होपफुली, अगर मैं बोलना चाहूँ तो। खैर, तो यार अब बात ये है ना कि भाई ये बिल्ड बहुत खतरनाक है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको इतना डैमेज दे रहा हूँ, बट मेरा ऑटोमेटिकली डैमेज हो जा रहा है। तुम लोग इस गेम प्ले के लिए नोटिस करना, इस एम्बलम बिल्ड के बाद मुझे नहीं पता मैंने किसको इतना डैमेज दिया है, बट एंड रिजल्ट्स मुझे हमेशा 1 लाख के आसपास मिल रहा है। इस बिल्ड से तुम्हें खेलने पे तुम खुद सोचोगे भाई इतना तो मैंने किसी को मारा नहीं है, पता नहीं कहाँ डैमेज गया है मेरा। खैर, तुम लोगों को मैं बता दूँ, ये मेरा एम्बलम था एंड ये मेरा बिल्ड है फिलहाल जिससे मैं खेल रहा हूँ मचाम से। एंड पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा जा रहा है। तुम्हें पता है मैं काफ़ी देर नूब हूँ एंड अभी जस्ट मैं फ्री हुआ हूँ, यानी कि ये सीजन आए शायद से 1-2 हफ्ता हो चुका है ना, अब जाके मैं लीग पुश स्टार्ट कर रहा हूँ, विच इज़ समथिंग वेरी मच अनॉइंग। एंड इसी कारण काफ़ी लोग मास्टर पहुँच गए एंड मैं अभी भी अल्ट्रा फाइट में झूम रहा हूँ। ये खैर, मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा मास्टर, तुम्हें पता ही ऐसे ही पहुँच ही जाता हूँ देर सवेर। तो यहाँ पर मैंने टॉप सोलो का निर्णय लिया है। आई नो ये काफ़ी स्टूपिड है क्योंकि एक सदी बीत चुकी है, अभी कोई भी नहीं करता है टॉप सोलो, बट तुम्हें पता ही है तुम्हारा स्क्वाड गधा है भाई, उल्टी सीधी चीज़ें करते रहते हैं और टीममेट से भी गाली सुनता रहता हूँ, इसीलिए भाई अपने आप को ट्राई करते रहना चाहिए। हाँ, तुम कितने ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करते हो, मैं ऐसे ट्राई करता रहता हूँ खुद को। अभी देखना पिट के आ जाऊँगा, बट ठीक है। ओ भाई अज़ूमर रिलैक्स ब्रो, इतना भी नूब नहीं हूँ कि एकदम घुस रहा है मेरे अंदर। रुक जा, स्टैक करने दे बेटा, घर पे घुस के मारूंगा तेरे को। तो डायनेमिक पंच बेबी, हाँ स्टैक करने, अरे हट ना यार प्लीज ना, करने दे मेरे को बदतमीज। नहीं जाने देगा। ओ भागो भाई, 1 HP में निकला हूँ मैं। दिस सक्स। आई नो इस एम्बलम के साथ तुम्हारा थोड़ा बहुत HP कम हो जाएगा, बट ठीक है भाई, इसलिए बड़ी बैरियर रख लेना तमीज से अगर तुम्हें खेलना है तो। खैर, मैं तुम्हें बता चाहता हूँ इससे तुम टॉप सोलो कर सकते हो अगर सामने वाला प्लेयर अप टू एवरेज है। मैं नहीं कहूँगा काफ़ी प्रो होगा तब तुम पिट ही जाओगे, तुम पता ही है मैं भी कुछ खास प्रो तो हूँ नहीं, एवरेज प्लेयर के सामने बस थोड़ा अच्छा खेलता हूँ। लेकिन अगर तुम टीयर करो तो बहुत ही बेकार, थोड़ा अच्छा, एवरेज एंड थोड़ा उससे अच्छा, और एक सबसे अच्छा होता है, तो मैं एवरेज के बाद आता हूँ। मेरा पता नहीं मूड होता है भाई, कभी कभी पता नहीं 1 लाख पहुँच जाता है, कभी 30,000 में अटक जाता हूँ। लेकिन फिलहाल इस बिल्ड से मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा है मचाम में, लाइक 70-80 हज़ार पहुँच रहा है, विच इज़ समथिंग। एंड मेरे दोस्त भी ऐसा सोच रहे हैं भाई बस मचाम भी तेरे लिए बना है, उनको पता नहीं है भाई कि अभी जैसे ही नर्फ आएगा ना मेरे साथ बेकार मचाम कोई नहीं होगा। हाँ आ जा मेरी जान भाई, 1 लाख खाते फिर कटक लेते हैं, फाइट लेना तो पूरा फाइट लो ना। वन पंच मैन की पावर, हैवी गो। ये मेरा बेस्ट स्टील था भाई इस गेम के अंदर। आई नो ये कुछ ज़्यादा वैसा खतरनाक नहीं था, बट स्टिल भाई ये काफ़ी अच्छा स्टील था। ओके चुप रहो तुम, तुम्हें पता क्या है भाई कितनी मेहनत करनी पड़ती है स्टीलिंग के लिए। ओह मैं मरूंगा, पंगे लेने आ रहा है मेरे से। इस गेम के अंदर मुझे याद है कि मैंने बहुत मारा है भाई लोगों को, कुत्तों की तरह मारा है। अल्टी का उतना यूज़ नहीं किया एंड शायद तुम लोगों को टीम बैटल भी उतना कुछ खास देखने ना मिले, बट मैंने सोलो में पकड़ पकड़ के कूटा है भाई लोगों को, तुक्का लग गया होगा पता नहीं यार, इतना अच्छा तो मैं खेलता भी नहीं हूँ। खैर इस बिल्ड के कारण शायद हो भी सकता है। ओह आई नो ये थोड़ा स्टूपिड था एंड शायद से ये मेरी बेवकूफ़ी थी, बट स्टिल यार क्या जाता है अल्टी चलाने में, जब वो लोग नीचे बिजी हैं मेरी अल्टी वापस आ ही जाएगी नेक्स्ट राइड नो फाइट तक, तो क्या ही जाता है ब्रो लेने में। एंड केशव भी आ चुका है मदद करने। ओहो लेट्स गो मारियो ऊपर की ओर। एंड आई गेस कि मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत इनको और पटका था, लेट मी शो यू इसके अंदर हुआ क्या था एग्जैक्टली। मुझे समझ नहीं आ रहा था बट मेरी काफ़ी मदद कर रहे थे एंड मेरे आराम से बहुत डैमेज दिया है, काफ़ी बार तो लोग भाग नहीं जा रहे थे मेरे डैमेज से एंड वो रिकवर हो जा रहे थे, इसलिए मुझे तक किल नहीं मिल पा रहा था, बट इवेंचुअली मैंने काफ़ी डैमेज दिया इस बिल्ड से। मैं खुद सरप्राइज हूँ भाई, मुझे नहीं पता, मैं तो सोच रहा था अगर रिकॉर्ड कर रहा हूँ टॉप सोलो चला जाता हूँ क्या पता कॉन्टेंट बन जाए, हु नोज। एंड दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड जो मैंने यहाँ पे किया था। खैर यहाँ पे भी ये इसको मैंने मारने के लिए शायद से अपना ये वाला मूव चला दिया था जिसके कारण मैं बच गया, अगर मैं इससे फाइट करने और जाता वीनसॉर से तो मैं पिट जाता यहाँ पे। अब यहाँ पे सीन ये होता है ना कि मैं सोचा था भाई मार दूंगा इनको, बट यहाँ पे थोड़ा सा बुरा हो जाता है क्योंकि पिछले गेम के अंदर जो मैं इससे पहले खेल रहा था ना वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, रोटॉम से ही पूरा मैच जीत लिया था, ज़ैप्डोस लिया भी नहीं था, तो मेरे को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। एंड यहाँ पे भाई गार्डेवॉर के कारण मेरी पैर स्लिप हो गया, पैर स्लिप क्या बेसिकली मचाम थोड़ा पीछे हट गया, उसके बाद अल्टी चली वरना शायद से एकदम परफेक्ट चलती यार। कांड होता रहता है भाई मेरे साथ, स्क्वाड मतलब कांड, सिंपल एज दैट। यहाँ पे मेरा स्टोरेज भर चुका था। क्या क्या होता रहता है मेरे साथ रिकॉर्ड करते हुए। हाँ ये चीज़ें मेरे चैनल के तुम्हें एक्सक्लूसिव देखने मिलेगी जहाँ गेम के बीच में मेरा स्टोरेज भर जाता है एंड मुझे वापस जाना पड़ता है रिकॉर्ड करने के लिए, होता रहता है
कभी कभी नेट भी चला जाता है। अरे तुम्हारे साथ होता है क्या? अभी ये वाला देखना ठीक है, अजुमरिल को हम लोग मारेंगे, ये ग्लिच खाया तुमने देखा, फिर एक और बार मारा, एक और बार ग्लिच खाया, अब जाके मराइए। ये क्या है मुझे एक बार बताना। अभी यूनाइट के अंदर पता है एक और ग्लिच चल रहा है, वो ये हो रहा है ना कि तुम्हें लगेगा तुम मूव कर रहे हो, बट तुम अपना जब मोमेंट वाला कंट्रोलर देखोगे तो तुम देखोगे तुम्हारी वो मूव ही नहीं कर रहा है। बेसिकली कंट्रोलर में कुछ ग्लिच सा आया है एंड तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा कैरेक्टर मूव क्यों नहीं कर रहा, तो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि होता क्या है ना कि तुम्हारा कैरेक्टर एक्चुअली उसमें बटन दबा के रखता भी नहीं है, तो कभी कभी सीन तुम्हें ऐसा देखने भी मिल सकता है यूनाइट के अंदर। एंड मेरे कारण इसकी बहुत मरा हूँ मैं। तो यहाँ पे यार मैंने फिर से ट्राई किया था, एज आई टोल्ड यू कि लास्ट गेम के अंदर मैंने अल्टी के थ्रू सिर्फ रोटॉम से पूरा मैच जीता आया था ज़ैपडोस के बिना, तो आई थॉट कि यहाँ पे भी काम कर जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं क्योंकि पांचों लोग कूद गए थे एंड यहाँ पे इसने भाई अल्टी चला दी थी कार्डेवॉन ने, इससे मैं मर गया था। खैर अब बारी आ चुकी थी भाई ज़ैपडोस फाइट की एंड मैं सोच रहा था कि थोड़ा पंगे लूँ, बट फिर मैंने सोचा कि भाई चुपचाप से फार्म ही कर लेता हूँ, क्योंकि यार देखो यार मैं मुझे पता है मैं नूबड़ा हूँ ठीक है, मैं पिट जाऊँगा टीम के लिए फालतू का, उनको जाके लेवल अप करवा दूंगा, इससे अच्छा भाई चुपचाप से फार्म कर लो। एक काम है मचाम का तमीज़ है अल्टी चलाने का, वो जाके मैं अपना पूरा कर दूंगा, कर्तव्य पूरा कर दूंगा, उसके बाद मुझे किसी का बाप भी कुछ नहीं बोल सकता, सिंपल इज़ दैट। यहाँ पर पिकाचू बहुत ज़्यादा ही चिपकू हो रहा था मेरे साथ, मैंने उसको भाई एकदम चिपका ही दिया दीवार के अंदर। खैर तो यहाँ पर भाई अपोनेंट की टीममेट्स भी काफ़ी फाइट लेने आ रहे थे एंड मैंने यहाँ पर देखा था भाई अपनी ब्लीसी को जंगल करते हुए। जी हाँ हमारे टीम के अंदर तुम्हें ऐसे ऐसे पोकेमॉन देखने मिलेंगे मन करेगा जूता निकाल के फेंक के मारो। जी हाँ हमारे टीम के ब्लीसी और स्नोलेक्स कभी कभी जंगल भी करते हैं अगर तुम्हें नहीं पता तो। हाँ ऐसे चमन प्लेयर भी तुम्हें हमारी टीम के अंदर देखने मिलेंगे, बड़े अजीब होते हैं भाई कभी कभी, तो मैंने देखा है ब्लीसी को गाढ़े ओर से फाइट लेते हुए, गॉड लेवल, एक का डिफेंस रहती एक का अटैक ही रहती, पता नहीं कौन किसको मारेगा समझ भी नहीं आता है। यहाँ पर मैंने सोचा था पिकाचू पे अल्टी चलाऊंगा बट फिर यार वो फट लिया, मेरे साथ ऐसा होता रहता है यार, मेरे से कभी मचाम की अल्टी कभी से चलती नहीं है, इवन यार गाचम की अल्टी के साथ भी मेरे साथ बहुत सीन होता है एंड मुझे लगा था भाई पिकाचू भी मुझे यहाँ ना मार दे, फेचती वेचती हो जाएगी रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा खासा डैमेज किया है मैंने स्टार्टिंग में, मुझे तुम्हें दिखाना था टॉप सोलो इस बिल्ड के साथ, शायद से अगर मैं टीम फाइट में और ज़्यादा इनिशिएटिव लेता एंड मैं थोड़ा और अच्छे से खेल पाता तो शायद तुम्हें और ज़्यादा डैमेज देखने मिल पाता, 1,00,000 से ज़्यादा, बट हाँ मैंने 1,00,000 तक का डैमेज दे दिया था इस बिल्ड से, जो कि मेरे जैसे नूबड़े के लिए बहुत बड़ी बात है। तो तुम लोग तो पता नहीं क्या गॉड लेवल प्लेयर हो, तो शायद से तुम लोग तो बहुत ही अच्छा खेल लोगे, मेरे से तो नहीं होता यार, पता नहीं कितना ट्राई किया है मैंने, मेरे साथ हमेशा उल्टे सीधे कांड होते रहते हैं, कभी कभी टीममेट ऑफलाइन हो जाता है पिटने के बाद, कभी कुछ हो जाता है यार। मैं सोच रहा हूँ एक यूनाइट स्क्वाड बनाऊँ, ओह भाई ये वाला सीन मुझे अभी भी याद है, मैं नीचे कटने वाला था मुझे यहाँ पे वो दिख गया था। हाँ तो मैं कहा था मैं एक यूनाइट स्क्वाड बनाने की सोच रहा हूँ जिसके अंदर हम लोग खेलेंगे, बेसिकली एक्टिव प्लेयर्स होंगे जिनका काम ये नहीं होगा कि तुम बहुत अच्छा खेलते हो, बेसिकली तुम्हें मेरे को पुश करवाना है कितना बेशरम हूँ मैं। हाँ तो यार मैं काफ़ी नूबड़ा हूँ एंड मुझे तुम लोगों को पुश करवाना है, दैट्स इट, मुझे नहीं पता मुझे मास्टर पहुँचाओ, मुझे वर्ल्ड रैंकिंग जाना है, खत्म। तो यार ये मैच यहाँ पे सक्सेसफुली खत्म हो जाता है जैसे तैसे करके, मैं नहीं बोलूँगा परफेक्ट मैच गया, पता नहीं क्या गया है, मुझे भी नहीं पता मैं इसको रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ, मुझे बस ये तुम्हें एम्बलम का शो पीस करना था कि भाई देखो भाई मेरे एम्बलम देखो, सारे सिल्वर वाले देखो। जी हाँ मेरे पास काफ़ी सारे सिल्वर एम्बलम है एंड मेरे पास ब्रॉन्ज है, गोल्ड के बस 8-10 ही हैं, बट यार हो जाएंगे वो भी। यहाँ पे मैं देख के चौंक गया था कि मैंने पता नहीं साला गेम में डैमेज किसको दिया है, मेरे यहाँ पे 98,000 के आसपास डैमेज हो रहा है, मैं कम्प्लीटली शॉक था क्योंकि मैंने ना टीम बैटल में अच्छे से पार्ट लिया, मैंने बस टॉप सोलो किया था तो इतना डैमेज तुम्हें देखने मिल रहा है। खैर तुम लोग इस बिल्ड से खेल सकते हो अगर तुम खेलना चाहो एंड मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि तुम लोग कैसे खेलते हो। तो या सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट।